टू वी विल स्टडी अबाउट कॉरल रीफ इसमें सबसे पहले हम कॉरल रीफ के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जो भी थ्योरीज हैं कॉरल रीफ के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उनके बारे में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कॉरल रीफ फाइलम सीलन ट्रेटा या फिर जिसको हम फाइलम निडेरिया भी बोल देते हैं उसके अंदर आते हैं और ये कॉरल के बने होते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉरल क्या होता है तो कॉरल एनिमल उसको हम पॉलिप भी बोलते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और इनकी बॉडी पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये एक एक्सटर्नल कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन को सीक्रीट करते हैं और यही हार्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरल रीफ्स तो कॉरल रीफ का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इट इज अ रिच और माउंट लाइक बायोजेनिक स्ट्रक्चर बाउंड होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस बल्क में प्रेजेंट होता है किसी भी सरफेस पे तो हम उसको माउंड बोलते हैं ठीक है कहाँ प्रेजेंट होंगे ट्रॉपिकल सीज में उन सीज में जहाँ जिस एरिया में टेम्परेचर वार्म होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो एरिया वार्म होते हैं ठीक है और ये किसके बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के सो दीज आर कॉरल रीव्स अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे यानी कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे जो इनको यूज करते हैं फॉर देयर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम स्पॉन्जेस मोलस्क शेल्स सी एनिमल्स फ्लैट वॉर्म्स क्रैप्स स्नेल्स तो ये सब एनिमल्स हैं जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं प्लांट्स में हेलीमीडिया ऑफ ग्रीन एल्गी और कैल्किरियस कॉरलाइन सी वीड्स ऑफ रेड एल्गी ये प्लांट्स हैं जो कि कॉरल रीफ के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन तो क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है कॉरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए यहां पे हम फाइव पॉइंट्स को रिमेम्बर रखेंगे नंबर वन टेम्परेचर कॉरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए वार्म वाटर की जरूरत होती है तभी मैंने बोला कि ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं टेम्परेचर ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री के बीच में होना चाहिए नंबर सेकेंड इज डेप्थ ऑफ सी ये बेसिकली ज्यादातर सेलो वाटर में पाए जाते हैं ज्यादा डेप्थ में नहीं पाए जाते रीजन उसका यह है कि इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एलगी के साथ और एलगी को अपने फूड के प्रोडक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है ओके okay? तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है इसीलिए वहां तक ही पाए जाएंगे सी में जहां तक सनलाइट एंटर कर पा रही है ज्यादा डेप्थ में नहीं जा मिल पाएंगे ओके okay? क्योंकि वहां पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी नंबर थर्ड फैक्टर इज सनलाइट सो so, वही है कि सिंबायोटिक एसोसिएशन होने की वजह से एलगी के साथ ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं पाए जाते हैं तो ये सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉरल रीव्स नंबर फोर्थ इज क्लियर वाटर अगर वाटर में एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल्स या डिस्पोजल्स प्रेजेंट होंगे तो वो टर्बिडिटी को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से लाइट वाटर के अंदर कम एंटर कर पाएगी और फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ऑफ एलगी तो जिसकी वजह से कॉरल रीफ्स का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ओके नंबर फिफ्थ इज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्लैंकटॉन्स जो कि वाटर बॉडीज के सरफेस पे फ्लोट करते हैं तो कॉरल uh, रीफ को अपने फॉर्मेशन के लिए पुअर न्यूट्रिएंट एरिया चाहिए होता है क्योंकि अगर प्लैंकटॉन्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो वो सनलाइट को एंटर करने से ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से अगेन आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं तो इसीलिए इसको पुअर न्यूट्रेंट एरिया चाहिए होता है फॉर इट्स ग्रोथ ओके नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या क्या है कॉरल रेव के तो ये कोस्ट को यानी कि जो किसी भी आइलैंड का बॉर्डर होता है उसको इोजिव एक्शन से प्रोटेक्ट करती है सी वेव्स के तो सी वेव्स को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं कॉरल रेव्स नंबर टू दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ मेरीन स्पीशीज तो मैरीन स्पीशीज को जो जो मैंने ऊपर यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताया है ये कुछ एग्जाम्पल है और भी काफी स्पीशीज है जिनको ये हैबिटेट प्रोवाइड कराती है और एक्ट करती है एज अ प्लेस ऑफ फॉर हाइडिंग फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ओके लास्ट पॉइंट इज सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन और फूड और मेडिसिन के साथ साथ ये कि स्टोरेज बैंक की तरह भी एक्ट करते हैं फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कॉरल रीफ्स सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कॉरल रीफ्स कॉरल रीफ्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं लेकिन थ्री टाइप्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा पाए जाते हैं और उन्ही के बारे में हम स्टडी करेंगे ओके नंबर वन फ्रिंजिंग रीफ नंबर टू बैरियर रीफ एंड नंबर थ्री अटोल्स तो सबसे पहले हम फ्रिंजिंग रीफ के बारे में पढ़ेंगे फ्रिंजिंग रीफ्स को शोर रीफ भी बोला जाता है क्योंकि वो शोर पे पाए जाते हैं शोर होता है एक आईलैंड का जो बॉर्डर एरिया होता है उसको हम शोर बोलते हैं ओके तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल डायग्राम से समझेंगे कि कौन से रीफ में क्या होता है तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है ये आइलैंड है कोई भी लैंड एरिया आइलैंड यहाँ पे है ठीक है उसके बाद एक लगून प्रेजेंट होगा लगून होता है वो एरिया जो कि कोरल रीफ और आइलैंड को सेपरेट कर रहा होता है विद अ बैंड ऑफ वाटर तो आइलैंड और कॉरल रीफ के बीच में जो बैंड ऑफ वाटर होगा उसको हम लगून बोलते हैं तो फ्रिंजिंग रीफ में जो लगून होता है वो ज़्यादा वाइड नहीं होता है ठीक है छोटा ही होता है उसके बाद यहाँ पे इस लगून के बाद से लेकर जो कोरल रीफ ग्रो करेंगे वो ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर तक की रेंज में ग्रो करेंगे ठीक है तो यहाँ पे लगून छोटा होगा वाइड नहीं होगा ज़्यादा और ये कोरल रीफ की ग्रोथ है सारी की सारी ये सारा सी वाटर है बाकी ओके तो ये हो गया हमारा फ्रिंजिंग रीफ अब फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है थ्री रीजन होते हैं नंबर वन रीफ फ्रंट नंबर टू रीफ क्रेस्ट एंड नंबर थ्री बैक रीफ रीफ फ्रंट क्या होता है जो सी वर्ड साइड होती है जो हमारा कॉरल रीफ है यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ इसकी जो सी वर्ड साइड होगी उसकी तरफ जो ग्रोथ होती है रीफ की वो ज़्यादा होती है जो सी फेसिंग साइड है यानी इस साइड पर जो कॉरल रीफ की ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी ठीक है और एक स्लोप का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जैसे ये स्लोप है तो इसको हम बोलते हैं रीफ फ्रंट एरिया ठीक है सी वर्ड फेसिंग एरिया जहाँ पे कोरल ग्रोथ की आ, कोरल रीफ की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा एक्टिव है उसको हम बोलते हैं रीफ फ्रंट एरिया नंबर टू इज रीफ क्रेस्ट तो रीफ फ्रंट का जो अपर पोर्शन होगा ठीक है जहाँ पे एक इमरजेंट पोर्शन होगा ये जैसे ये है तो उसको हम बोलते हैं रीफ क्रेस्ट ओके एंड नंबर थर्ड इज बैक रीफ तो रीफ क्रेस्ट और शोर के बीच का जो भी एरिया होगा उसको हम बोलते हैं बैक रीफ यहाँ पे जो ज्यादा डेप्थ में रीफ प्रेजेंट होंगे वो डेड होंगे ठीक है तो इसीलिए लिखा है डेड कोरल और जो ये ये वाला एरिया है पूरा ये एक्टिव ग्रोथ है यहाँ पे और यहाँ पे सी फेसिंग साइड है तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्टिव होगी ओके नंबर टू इज बैरियर रीफ ये एक आइलैंड है यहाँ पे लगून है और उसके बाद ही बैरियर रीफ आ गए तो बैरियर रीफ में जो लगून होगा उस वो ज़्यादा वाइड होगा इन कंपैरिजन टू फ्रिंजिंग रीफ यहाँ पे ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर डीप होता है जो लगून होता है इन बैरियर रीफ इसमें होता क्या है कि ये फ्रिंजिंग रीफ को रिजेंबल करता है लेकिन ये डीप वाटर में ग्रो करते हैं ये शेलो वाटर में ग्रो करते हैं ये डीप वाटर में ग्रो करते हैं इसके भी थ्री रीजन है रीफ फ्रंट रीफ क्रेस्ट और रीफ बैक रीफ जो यहां पे दिखाया हुआ है रीफ क्रेस्ट बैक रीफ और ये रीफ फ्रंट ओके यहाँ पे बैरियर रीफ की ग्रोथ दिखाई हुई है फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है हमारा एंडामैन और रिकोबार आइलैंड इन इंडिया इन बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये काफी ज्यादा ग्रोथ है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ्स की ठीक है लार्जेस्ट बैरियर रीफ है ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के नंबर थर्ड इज एटोल्स अटोल का फॉर्मेशन तब होता है तब कोई भी आइलैंड एरिया श्रिंक कर जाता है ठीक है तो जब भी कोई लैंड एरिया श्रिंक कर जाएगा उसके चारों तरफ जो फॉर्मेशन होगा वो अटॉल रीफ्स का होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है ये या तो सर्कुलर होंगे या फिर हॉर्स शू शेप्ड होंगे यहाँ पे ये हॉर्स शू शेप्ड है और बीच में यहाँ पे चैनल होंगे तो ये अटॉल जो होंगे किसी भी लैंड एरिया को एनसर्कल नहीं करते हैं ये बेसिकली लगोन को सर्कल करते हैं क्योंकि जो लैंड एरिया है वो तो ऑलरेडी श्रिंक हो चुका होता है ओके और ये लैंड एरिया से हंड्रेड टू थाउजेंड किलोमीटर की दूरी पर आकर कहीं इनका फॉर्मेशन होता है इसका एग्जाम्पल है लक्षदीप आईलैंड ऑफ इंडिया नाउ वी विल स्टडी थ्योरीज रिगार्डिंग कॉरल रीफ फॉर्मेशन तो फोर थ्योरीज है यहाँ पर कॉरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए नंबर वन डारविन डेना सब्सिडेंस थ्योरी नंबर टू सैम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी नंबर थ्री समर्ष बैंक थ्योरी एंड नंबर फोर्थ इज डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी तो सबसे पहले हम डार्विन डेना सब्सिडेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे 1842 में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ये थ्योरी दी उसके बाद जेम्स डेना ने इसमें कुछ करेक्शंस किए तब जाकर ये एक यू you नो know, वेरीफाइड थ्योरी बनी तो इसीलिए इसको बोलते हैं डार्विन डेना सब्सिडेंस थ्योरी ये थ्योरी बोलती है कि फ्रिंजिंग रीफ से ही बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ रीफ हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है यानी फ्रिंजिंग रीफ से ही बैरियर रीफ और उससे ही अटोल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो हम डायग्राम के बेसिस पे इस थ्योरी को समझेंगे डायग्राम से याद करेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा थ्योरी क्या कहना चाहती है ओके तो सबसे पहले यहाँ पे ये लैंड एरिया है और ये सी वाटर है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव से ये इसकी लैंड एरिया की पीक्स को दिखाया हुआ है हाइट uh, को दिखाया हुआ है बेसिकली पीक नहीं बोलेंगे हाइट को दिखाया हुआ है तो सबसे पहले रीफ फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ शेलो डेप्थ पे तो यहाँ शेलो डेप्थ पे यानी शेलो वाटर में कॉरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ और हमें पता है कि शेलो वाटर्स में जो रीफ होती है वो फ्रिंजिंग रीफ होती है तो ये कौन सी रीफ हो गई हमारी फ्रिंजिंग रीफ उसके बाद क्या हुआ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये जो लैंड मास था जो वन टू थ्री इंडिकेट कर रहा था ये श्रिंक हो गया और अब जो रीफ यहाँ पे ये बची है इस रीफ की ग्रोथ हुई और ये कौन सी रीफ का फॉर्मेशन होगा बैरियर रीफ का क्योंकि हमें पता है कि शेलो वाटर में जो रीफ पाई जाती है वो फ्रिंजिंग रीफ होती है लेकिन जो डीप वाटर में पाई जाती हैं वो हमारी बैरियर रीफ्स होती हैं तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन होगा बैरियर रीफ्स का उसके बाद जब ये लैंड एरिया पूरा श्रिंक कर जाएगा ठीक है जो ये फोर फाइव इंडिकेट कर रहा है ये भी पूरा श्रिंक कर जाएगा तो हमारा फॉर्मेशन होगा एटोल्स का ये अब जो रीफ है हमारी वो सर्कुलर या फिर हॉर्स शू शेप्ड में अपनी ग्रोथ करेगी और यहाँ पे ये लगून है ओके तो इस तरीके से हमारे अटोल्स का फॉर्मेशन होगा और हमें पता है अटोल जो ग्रो करते हैं वो किसी भी सम्म लैंड एरिया के चारों तरफ ग्रो करते हैं तो ये थ्योरी ये सब इंडिकेट करती है ठीक है इस थ्योरी का वेरिफिकेशन मिला था नाइनटीन में इंडो पैसिफिक रीफ्स में जो कि बाइकिनी में प्रेजेंट है ओके okay, आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर टू दैट इज़ सैम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी एटीन एटी में ये थ्योरी दी गई और ये थ्योरी क्या कहती है कि कॉरल ग्रीफ की जो कॉरल ग्रोथ होती है वो ओशियन बॉटम की जो हाईएस्ट पीक होगी उस पे होगी जैसे यहाँ पे भी एक पीक है ये ये भी एक पीक है लेकिन ओशियन बॉटम में जो हाइएस्ट पीक होगी उस पर कॉरल की ग्रोथ होगी तो ये यहाँ पे कॉरल ग्रोथ इन्होंने शो कर रखी है ओके okay, उसके बाद क्या होगा कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा और वो कॉरल को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आ जाएंगी ये सेडिमेंट सेडिमेंट का ग्रोथ हो रहा है और ये रीफ इस रीफ्स को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आ रहे हैं उसके बाद क्या होगा जब एज से ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो बैरियर रीफ और एटोल्स का फॉर्मेशन होगा और इसका जो इनर पार्ट है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो वहां पे नहीं बचेगा ठीक है तो ये एजेस से ग्रो करें और बीच वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया यानी वो गायब हो गया ओके okay? तो ये थी सैम्पर मोरी सॉल्यूशन थ्योरी उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सम्मर्स्ट बैंक थ्योरी सम्मर्स्ट बैंक थ्योरी एडवोकेट करती है इंडिपेंडेंट ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीफ्स तो इसमें क्या है कि कॉरल रीफ सबसे पहले किसी फ्लैट सरफेस पे बने जिसपे ज्यादा यू you नो know, डेप्थ में भी नहीं है तो वो किसी फ्लैट सरफेस पे ग्रो करे वाटर आ गया थोड़ा सा वाटर तो वो थोड़ा सा डेप्थ में चले गए उसके बाद ये जो लैंड एरिया है रीफ के नीचे की तरफ प्रेजेंट है सी में इस ये सामर्ज हो जाएगा और इसके सामर्ज होने की वजह से जो रीफ का फॉर्मेशन होगा वो होंगी बैरियर रीफ ठीक है क्योंकि यहाँ पे शेलो वाटर में बन रही है फ्रिंजिंग रीफ और डेप्थ वाटर में क्या बन जाएंगे बैरियर रीफ सो दिस वॉज ऑल अबाउट स बैंक थ्योरी उसके बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे दैट इज डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी इसमें क्या होता है जैसे कि इसका नाम बता रहा है ग्लेशियल कंट्रोल तो ये ग्लेशियराइजेशन पे बेस्ड है ग्लेशियराइजेशन होता है ग्लेशियर्स uh, का पिघलना और ग्लेशियर्स का बनना ये पूरा ग्लेशियराइजेशन का एक प्रोसेस है इसमें क्या बताया हुआ है कि जब ग्लेशियलाइजेशन हुआ यानी पानी से बर्फ का बनना स्टार्ट हुआ तो ओशन वाटर की जो हाइट थी जो डेप्थ थी वो कम हो गई जैसे जैसे आइस ये यह यहाँ पे ये यह पोर्शन है मान लो इसमें आइस बन रही है तो ओशन की जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है उस टाइम पर कॉरल का फॉर्मेशन हुआ शेलो वाटर में और वो हो गए फ्रिजिंग रीफ उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ आई टेम्परेचर राइज हुआ तो ये आइस कैप्स क्या होंगी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव तक पूरा ये इतना आइस कैप का एरिया था और ये मेल्ट हो गया इसकी मेल्ट होने की वजह से ओशन की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी और जिन रीफ का फॉर्मेशन होगा क्योंकि अब रीफ क्या हो गए डेप्थ में पहुंच गए हैं और जिन रीफ का फॉर्मेशन होगा वो होंगी बैरियर रीव्स इस थ्योरी का सपोर्ट मिलता है क्योंकि कॉरल रीफ जब फॉर्मेशन हुआ है कॉरल रीफ का वो आई सीट से होना स्टार्ट हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी को भी एक सपोर्ट मिलता है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्योरीज तो यहां पे हमारा कॉरल रीफ का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है